अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे लंच को, तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ थोड़े से। टाउन स्क्वायर है इस जगह का नाम, ये काउस में है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं बास्किन रूबिन्स, ये है डिस्कवरी मूवी थिएटर, इसको बोलते हैं सिनेमा। खैर, हम सिनेमा में जाने की देख रहे थे कि अगर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है तो हम लोग वहाँ बैठ के खाना खाएंगे, बट इट वाज़ फुल क्योंकि ब्रेक टाइम था। तो हम यहाँ पे अपने हाथ वॉश करने आए थे वॉशरूम में। तो आपके साथ बस ये शेयर करना था क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं आप सबको काउस दिखाऊं। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं दिखाऊंगी। तो देखिए कि यहाँ पे माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। ये वॉशरूम है जो माशाल्लाह से शीशे की तरह चमक दमक रहा है। तो मैंने बस कहा कि मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पर क्लीनिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये फ्लोर पर भी कैमरा लगाने का यही मकसद था क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो सऊदी अरब में जो नॉर्मली इलाके हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई देखने में नज़र नहीं आती। तो जो लोग सऊदी अरब में रह चुके हैं या रहते हैं वो फेमिलियर हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती। बट क्योंकि ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे हर चीज़ अप टू स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्लीनिंग का भी स्पेशली। हालांकि एक ओपन स्पेस है और लोग यहाँ पे हमेशा ही जमा रहते हैं खाना खाने के लिए। तो हमने ट्राई की थी कि हम वहाँ पे कैमरा लेके ना जाएं जहाँ पे भीड़ थी या जहाँ पे लोग बैठे थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो बस ये थोड़े बहुत ही क्लिप्स लिए थे हमने, ज़्यादा नहीं। ये एक यहाला रेस्टोरेंट है, लेबनीज रेस्टोरेंट है और इसके साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट ओपन हुई है जहाँ अभी तक हम नहीं गए क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं टाउन गई थी, वो भी क्योंकि मेरे साथ अब सिस्टर है। तो यहाँ पे आ गया था हमारा लंच, हमने लंच ऑर्डर किया था बर्गर किंग से क्योंकि यही पे वो जगह थी जहाँ पे हम क्विक टाइम खाना ले सकते थे। अदरवाइज़ जो दूसरी प्लेसेस थी वहाँ पे खाना आपको ऑर्डर करना पड़ता है और इसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और हमने वापस ऑफिस भी जाना था और मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी जो वीकली ग्रोसरी होती है बच्चों के लिए। यहाँ पे आ गया है हमारा लंच का ऑर्डर, हमने बर्गर किंग से ऑर्डर कर लिया था क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे क्विक टाइम खाना मिल जाता, अदरवाइज़ बाकी जितने भी रेस्टोरेंट से हमें उसमें खाना ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि वो रेडीमेड कुछ भी नहीं होता उसमें। और पिज़्ज़ा हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले खाया था तो पिज़्ज़ा खाने का भी हमारा कोई मूड नहीं था। सिस्टर को ड्रिंक्स पसंद नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रिंक है। असल में हमने एक फुल मील ऑर्डर किया था, एक अलग से सैंडविच या बर्गर कह लें वो, और एक साथ में थे चिकन नगेट्स जो सिस्टर के हैं और फ्रेंच फ्राइज़ जो है हमने दोनों ने शेयर कर लिए थे। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं सुपरमार्केट में। असल में मैं एक हेयर ऑयल ढूंढ रही थी तो मैं यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज के सेक्शन में पहुँच गई तो हेयर ऑयल तो मुझे खैर कुछ नहीं मिले। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं क्योंकि ये मिनी मार्केट है, वो जो जहाँ पे हम यूजुअली जाते हैं वो बड़ी मार्केट है, सुपर मार्केट है वो। तो यहाँ से बस जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ली और फिर हमने कहा कि चले वापस ऑफिस की तरफ चलते हैं क्योंकि स्टिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मौसम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और बस ज़्यादा देर बाहर धूप में खड़े भी नहीं रह सकते आप। इस वजह से हमने जल्दी जल्दी से शॉपिंग की और हम चल दिए। तो यहाँ पे हम देख के वेट कर रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे ही ड्राइवर आएगा तो हम लोग वापस ऑफिस की तरफ चलेंगे। हम जो फ़िलहाल खड़े हैं वो है जी यूनिवर्सिटी के बाहर की जगह, ये मैं पहले भी आपको शो कर चुकी हूँ। वो जो गेट है वहाँ से एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं वो एंटर होते हैं और उसी के पास है बस स्टॉप तो जहाँ पे बसेज आती हैं पिक एंड ड्रॉप लेते हैं। मैं ज़्यादा कैमरा ऊपर नहीं कर रही थी। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है और ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो लोग न्यू है यहाँ पे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो उनके लिए शायद ये चीज़ नहीं होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर, तो बस ब्राइट ब्रेड लेके आई हूँ मैं, ग्रीक योगर्ट है, एप्पल्स हैं और यहाँ पे जूस है, मोस्टली मैंगो के जूस हैं क्योंकि शयान को मैंगो का जूस पसंद है, बट मैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए उसमें मिक्स फ्रूट का जूस पी लाई हूँ, उसे अल रबी। वैसे तो वो सारे जूसेस पी लेता है बट बचपन से उसके जो मोस्ट फेवरेट है ना वो अल रबी के जूसेस हैं। और ये ग्रीक योगर्ट है, ये भी शयान को काफ़ी पसंद है तो मैं बेरी फ्लेवर में लाई थी। असल में होता है क्या कि जो इसमें थोड़े बहुत फ्रूट के चंक्स होते हैं शयान और रयान दोनों वो नहीं खाते, उन्हें थोड़ा सा और लगता है तो इस वजह से मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लाती हूँ। और दाने तो इन्होंने खाना कम कर दिया, अब इतना पसंद नहीं है, इतने शौक से नहीं खाते तो फिर वो भी मैं लेके आती थी। आजकल इनकी मोस्ट फेवरेट जोन सी है जो फ्रूट है एप्पल एंड बनाना जूस एंड ब्रेड खाते हैं वो जैम एंड बटर के साथ, दैट्स इट। तो इसके बाद अभी मैं प्रिपेयर करने लगी हूँ जी डिनर। डिनर में आज भाइयों ने फरमाइश की थी कि बिरयानी बना दे, बिरयानी ज़्यादा जैसे हम बनाते हैं
वैसे नहीं बनती बनेगी आज, क्योंकि जस्ट हम 4-5 लोग हैं जिन्हें डिनर करना था, तो इसलिए थोड़ी सी ही बिरयानी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्याज रख दिया ब्राउन करने के लिए। जब प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने गार्निशिंग के लिए या दम पे डालने के लिए निकाल लिया है। और यहाँ पे देखें जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लिया मैंने। इसके बाद मैं चिकन डालूँगी। चिकन जो सी है वो है तकरीबन 1500 ग्राम्स या उससे थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एक होल चिकन है, उसके साथ बोनलेस चिकन के 2 पीसेस थे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने चिकन भी ऐड कर लिया है। क्विक टाइम बिरयानी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, और ना ही जो होता है दम पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे भाई को ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है। इवन जो प्याज होता है वो भी निकाल के बाहर रख दिया था। और यह सिंपल से मसाले, करी पाउडर है, हल्दी है, नमक है और रेड चिली है, जिसे मैं ऐड कर लूँगी। और साथ में होगा बिरयानी मसाला, जिसे मैं दही में मिक्स करके ऐड करती हूँ एज़ यूजल। साथ में बना लेंगे हम रायता। रायते के क्लिप्स और डिनर सर्विंग के क्लिप्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऐसा से व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बोर करूँ। और बिरयानी की रेसिपी भी आप लोग बहुत दफ़ा मेरे चैनल पे देख चुके हैं। ये देखे मैंने टोमेटोज जो से हैं वो ग्राइंड करके ऐड कर लिए थे। ग्रीन चिलीज़ मैंने गार्निशिंग में डालनी थी, क्योंकि ऑलरेडी रेड चिलीज़ मैं इनफ डाल चुकी थी। और शान की जो लाल मिर्च है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ को अवॉइड किया, क्योंकि दम पे तो वैसे भी डालनी ही होती है। यहाँ भी जब टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया था वो ड्राई होने के बाद, मैंने उसमें ऐड करने लाए जी दही और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला ये शान का है, शान मुंबई बिरयानी आई गेस। मुझे बिरयानी में आलू डालना बहुत अच्छा लगता है और इवन खाना भी, बट घर में सबको पसंद नहीं है, इस वजह से सबकी चॉइस के मुताबिक चलते हुए मैं फिर आलू स्किप कर देती हूँ। हालाँकि मुझे बहुत दिल करता है कि मैं सिंधी बिरयानी बनाऊँ, उसमें आलू ऐड करूँ, बट नहीं, मेरे भाइयों को पसंद नहीं, तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे दही ऐड कर लूँगी मैं, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। उसके बाद हम चावल बॉईल कर लेंगे और लगा लेंगे अपनी बिरयानी को दम पे। जी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, क्योंकि बिरयानी की तो बहुत सी इकसाम होती हैं, लाइक सिंधी बिरयानी, मुंबई बिरयानी, और एक जो तह वाली बिरयानी होती है, जो जिसे कच्चे चिकन की बिरयानी भी कहते हैं, वो वाली भी मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मेरी मामा वो बहुत अच्छी बनाया करती थी, फिर हमने वो वाली बिरयानी को बनाना एकदम से छोड़ दिया और फिर ये वाली बिरयानी पे स्विच कर लिया है। टेस्ट में सारी सिमिलर होती है, बट मेरे ख्याल से उस वाली पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, जबकि क्योंकि ये बना बना के हम यूज़ टू हो गए, तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लगती है। तो यहाँ पर मैंने तह लगा ली है, और तह में भी मैंने बहुत ज़्यादा जो गार्निश का स्टफ़ होता है वो ऐड नहीं किया। रीज़न वही है कि मैंने गार्निशिंग के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखी थी, आप देखें बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि बाद में निकाल के फेंकने से बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही कम डालें। यहाँ पे बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है, अभी हम करेंगे अपना डिनर। यहीं पर ख़त्म होता है आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।